नमस्ते, सदा वत्सल है मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। डीआरडीओ विकसित कर रहा है सबमरीन लॉन्च यूएवी को। पारस डिफेंस को सीमा निगरानी तकनीक के लिए डीआरडीओ से अनुबंध मिला। डीआरडीओ अब टीथर ड्रोन के साथ मिनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को विकसित कर रहा है। बांग्लादेश को रशिया से मिलेंगे 8 MI-28 NE हेलीकॉप्टर्स। डिप्टी एनए से बनाए गए विक्रम मिश्री। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने $768 के भारी भरकम अमेरिकी रक्षा बजट को दी मंजूरी। डीआरडीओ ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम बनाने का काम सौंपा है। इस तकनीक को कंपनी इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डीआरडीओ के बीच बनाए गए बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। ये प्रणाली यानी कि ये सिस्टम सीमावर्ती इलाकों में दिन और रात, इसके अलावा सभी मौसम में निगरानी प्रदान करेगी। इसमें रडार, ईओ सेंसर आदि शामिल हैं जो पैन टिल्ट प्लेटफॉर्म पर लगे होंगे। इस टीओटी के साथ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी देश के सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरी करेगी। बता दें कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से डिफेंस और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादों और सॉल्यूशन की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण में लगी हुई है। चीन में भारत के पूर्व दूत और चीनी मामलों के जानकार विक्रम मिश्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल वर्तमान में दो डिप्टी एनएसए राजेंद्र खन्ना और दत्ता पंसालीकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के राजनयिक विक्रम मिश्री को 2019 में बीजिंग में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था और अब उनकी जगह प्रदीप कुमार रावत चीन में अगले राजदूत होंगे। विक्रम मिश्री प्रधानमंत्री कार्यालय समेत विदेश मंत्रालय में भी कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका में विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों में अलग अलग पदों में काम किया। डीआरडीओ अब बहुत जल्द एक नई अगली पीढ़ी की यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है और ये एक टैक्टिकल एयर लॉन्च मिसाइल होगी जो दुश्मन के रडार की स्थिति का पता लगाती है और फिर उसे ढूंढती है और नष्ट करती है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्य से 100 किलोमीटर दूर एक विमान से दागी गई मिसाइल इसका पता लगा लेगी और इसे नष्ट कर देगी। रडार सिस्टम के नष्ट होने से दुश्मन की आंख बंद हो जाएगी, जिससे कि भारतीय वायुसेना के लिए अन्य लक्ष्यों पर हमला करना आसान हो जाएगा। NGARM को Sukhoi-30 और Mirage-2000 जैसे इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है और ये एक सटीक मिसाइल है जो कि रडार सिस्टम को ट्रैक कर सकती है भले ही वो काम ना कर रहा हो। डीआरडीओ अब सबमरीन लॉन्च अनमैन एरियल सिस्टम यानी कि SLUAS का निर्माण कर रहा है, जिसे कि वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत बनाएगा और इसे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी की टेक्टिकल जरूरत के हिसाब से बनाया जाएगा जो कि रियल टाइम टारगेटिंग, इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉग्निशन का काम करेगी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस में और ये बैटल डैमेज असेसमेंट में भी इस्तेमाल होगी। आपको बता दें कि सबमरीन लॉन्च अनमैन एरियल सिस्टम को 533 mm डायमीटर जो कि नाटो स्टैंडर्ड का कैनिस्टर से निकलने वाला टॉर्पीडो है उसका इस्तेमाल करते हुए जलमग्न पनडुब्बी यानी कि समर्थ पनडुब्बी से लॉन्च होने में सक्षम होना चाहिए और इस सबमरीन लॉन्च अनमैन एरियल सिस्टम को कैनिस्टर के साथ उपयुक्त रूप से कॉन्फ़िगर किया जाना होगा। इसके अलावा कैनिस्टर 70 मीटर तक की गहराई पर जलमग्न पनडुब्बी से लॉन्च के दौरान 15 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक के डिस्चार्ज प्रेशर का सामना करने में भी सक्षम होना चाहिए और ये समुद्री वातावरण में दिन और रात में काम किए जाने लायक भी हो। साथ ही इसका कंट्रोल सिस्टम स्टैंड अलोन होना चाहिए और मिशन से संबंधित सभी तरीके के कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए और इस अनमैन एरियल सिस्टम को 25 किलोमीटर के अंदर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें कि ये सबमरीन का डेटा लिंक का इस्तेमाल कर सके और इसकी जो गति है यानी कि स्पीड वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और ये बेसिक पेलोड अपने साथ ले जा सके। साथ ही इसका एंड्यूरेंस टाइम 2 घंटे का होना चाहिए। यानी कि डीआरडीओ अब स्वदेशी रूप से इस तरीके की सबमरीन लॉन्च अनमैन्ड एरियल सिस्टम को तैयार कर रहा है। डीआरडीओ की योजना है कि वो थीटर ड्रोन के साथ मिनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को विकसित करेगा और इसको भी डीआरडीओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के माध्यम से करेगा। साथ ही ये ऑटोमेटिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले यूएवी होने चाहिए जो कि थीटर ड्रोन के साथ कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सेगमेंट कर सके और ये भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सर्विलांस क्षमता को भी बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि इन्हें नौसेना के ऑनबोर्ड के हिसाब से तैयार किया जाएगा और 360 डिग्री अर्ली डिटेक्शन क्षमता के साथ ये आएंगे। टीथर यूएवी पावर बेस्ड सिस्टम 40 किलो से कम होना चाहिए और ये मैक्सिमम यानी कि
अधिक से अधिक 15 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही 24 घंटे का इसका एंड्योरेंस टाइम होना चाहिए, वो भी पूरे पेलोड के साथ। बांग्लादेश ने 2030 तक अपनी वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके तहत वो रूस से 8 Mi-28 एनी अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रही है। इन हेलीकॉप्टर को खरीदने में करीबन 4,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा जा रहा है कि रूस से हेलीकॉप्टर की खरीद पर ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा और अगले वित्तीय वर्ष में बांग्लादेशी वायुसेना के लिए 8 Mi-28 एनी अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए रूसी सरकार और बांग्लादेशी सरकार के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत होगी। Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर एक पावरफुल आर्मामेंट सिस्टम है जिसमें प्लस माइनस 110 डिग्री के बाएं दाएं स्विंग रेंज के साथ एक मूवेबल ऑटोमेटिक 30 mm के कैनन है। 6 और 10 किलोमीटर की रेंज के साथ 3 प्रकार के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी इसमें शामिल है और हवा से हवा में गाइडेड मिसाइलें, 2 प्रकार के बिना गाइड वाले रॉकेट, सस्पेंडेड कैनन कंटेनर्स, 500 किलोग्राम तक के हवाई बम ये ले जा सकता है। इसे नाइट हंटर भी कहा जाता है। इसके रोटर ब्लेड 30 mm प्रोजेक्टाइल को झेलने में सक्षम है। इसके प्रत्येक इंजन 2400 हॉर्स पावर ऊर्जा जनरेट करते हैं। एक इंजन के साथ भी उड़ना संभव है यदि दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया हो। नाइट हंटर की एक हाई सर्वाइवेबिलिटी भी है। कॉकपिट की विंडशील्ड और साइड विंडो बख्तरबंद है। Mi-28 एनी कॉकपिट सिरेमिक कवच के द्वारा सुरक्षित है। Mi-28 एनी गर्म जलवायु में दिए गए कामों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम है। ये एक नए स्क्रीन एग्जॉस्ट और डस्ट प्रोटेक्शन डिवाइस से लैस है। तो दोस्तों, आपने देखा पड़ोसी कितना शक्तिशाली होने की कोशिश कर रहा है और 2030 तक उसका लक्ष्य है कि उनकी वायुसेना को और ज्यादा मजबूत कर लिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के अनिश्चित माहौल में किसी भी तरीके के संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए सीमा पर बुनियादी ढांचों के विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा लागू की गई 27 सड़कों और पुलों की परियोजना का अनावरण करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर इस क्षेत्र में कोई बुनियादी ढांचा नहीं होता तो भारत उत्तरी क्षेत्र में विरोध का कड़ा जवाब नहीं दे पाता। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 सड़कों में दक्षिणी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर बनी एक सड़क भी शामिल है और अब ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल सामरिक जरूरतों के लिए हैं बल्कि देश के विकास में दूर दराज के क्षेत्रों की समान भागीदारी को भी सुनिश्चित करती हैं। इसी तरह ये पुल, सड़कें और सुरंगें हमारी सुरक्षा और पूरे देश को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच साल 2022 के लिए $768.2 अरब के रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है और इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए केवल $7.1 अरब का प्रावधान किया गया है। साथ ही चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बनाने का आह्वान किया गया है। इस साल बजट में चीन और रूस के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर प्रमुखता से फोकस किया गया है। बजट में अत्याधुनिक तकनीक जैसे कि हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।